हंबल सना करीमी साहब। थैंक यू सर। सर मेरे हलके में एक गांव है हरचो की, वहाँ एक बड़ा अफसोसनाक और बड़ा एक तकलीफ दे एक वाकया हुआ, वो शायद आपके नोटिस में भी हो। एक बच्ची थी जी 2.5 साल की, वो वेंट मिसिंग अ फ्यू डेज अगो और उसकी लाश मिली जी गांव के छप्पड़ से। और तकलीफ दे बात इसमें यह है सर कि हमारा ज़िला पहले भी जो है चाइल्ड अब्यूज़ और इस तरह के मामलों के लिए बड़ा ख़बरों में रहा है, और अल्लाह करे ऐसा ना हो, मगर सर मैं ये चाहूँगा कि इसकी तहकीक पूरी की जाए और इसको देखा जाए कि ये एक्चुअल कोई एक्सीडेंट था कि वो बेचारी खेलती कूदती उसमें गिरी, या कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कोई चाइल्ड अब्यूज़ का ये वाकया ना हो। तो सर आई वुड वांट के द गवर्नमेंट लुक्स इनटू दिस एंड यू नो कम अप विद समथिंग जो सेटिस्फाई कर सके इस चीज़। जी जी अम्बल, ठीक है जी। इस पे आई बिलीव दैट द DPO इज राइट नाउ करंटली, जब आप बात कर रहे हैं, ही इज इन द विसिनिटी अलोंग विद हिज टीम एंड दे आर ट्राइंग टू असर्टेन whether it is a case of child abuse या कोई accidental death हुई है, और उसकी postmortem के साथ उसकी तफसीलात आ जाएंगी। तो whatever the case would be, वो I would request the Minister for Parliamentary Affairs कि इसके ऊपर सेशन। जी सैयद राशिद तुफैल साहब। जी सर, सर शुक्रिया। सर इसी तरह का एक ये बल्कि दो मसले बच्चों के, मेरा हल्का PP 175 कसूर से, और ये जो अमन भाई ने बात की है कि यकीनन कसूर के लिए लम्हा फिक्रिया है, हमेशा ये केस ज़्यादा कसूर से निकलते हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। और जो अभी कुछ दिन पहले इसी तरह बच्चे की लाश रेलवे ट्रैक पे मिली है, और उस बच्चे को कई दिन काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रखा है, उसके बाद उसकी डेथ हुई है और पता चला मेडिकल में कि 5 लोगों ने उसके साथ जाति की है। इसी तरह एक अंधार गांव में उस बच्चे की मौत वाकई होगी, मौत वाकई होगी सर। और उसी तरह एक अंधार गांव में इट इज ऑन द राइज अगेन सर। इसमें गुजारिश ये करनी है कि अब उनमें DNA करवाने, DNA की रिपोर्ट 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आती है, तो इस तरह के मुल्जमों को बहुत रिलीफ मिलता है। ये सदा साहब ऐसे करते हैं, वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, आप इजलास के बाद मिनिस्टर साहब के साथ आप भी और हम्बल साहब भी बैठ जाएं 5 मिनट। ये वाक़यात अभी पिछले चंद दिनों से मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं, दीज आर माइनर चाइल्ड्स, ये इन चिल्ड्रन का बड़ा बेदर्दी से इस्तेहसाल हुआ है। ये सरदार राशिद तुफैल साहब, हम्बल सना साहब की हल्का जात के अंदर ये वाक़यात पेश आए। सर ये कसूर की बात है, हल्के की बात नहीं है, हमारे कसूर के लिए, और कसूर के लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमें पाकिस्तान में क्या दुनिया में इस तरह देखा जाता है कसूर की। जब कोई बात आती है तो शर्म से आँखें झुक जाती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कसूर को स्पेशल फोकस किया जाए इस पर, और इस मामला को जितनी जल्दी हो सके। जी सर, सब देखते हैं। थैंक यू जी शेख साहब। इट्स द लास्ट स्पीकर नाउ, देन आई हैव टू गो फॉर द फाइनेंस बिल।